This meeting is being recorded. तो आज की हमारी इस क्लासेस में हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट के ऊपर पिवट टेबल के थ्रू हम बात करेंगे किस तरीके से एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस की डेटा पे हम एक इन एंड आउट का अटेंडेंस शीट तैयार करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर दिया है और आपके सामने मेरा डेटा दिख रहा है जिसमें पर्टिकुलर नेम है, इन टाइम है, डेट एंड टाइम है, आउट डेट एंड टाइम है। तो इससे पहले का जो डेटा था उसमें क्या था कि जस्ट इन का डेटा था कि उसने इन किया है कि नहीं किया है, बट उसमें आउट का नहीं था। बट मेरे पास दूसरा जो डेटा है उसमें आउट का डेटा है। तो चलिए सबसे पहले इसको इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल में और नेम या आईडी जो भी आपकी यूनिक है उसको रो में रख दीजिए और इन को उठा के आप कॉलम में रखिए ताकि आपको डेट्स मिल जाए। पर डेट मिला है लेकिन इस तरह से वो ग्रुप में है, लेकिन मैं इसको डेट वाइज ग्रुप करना चाहता हूँ। तो ग्रुप पे गए और मैंने आवर, मिनट, सेकेंड, ये तीनों को यहाँ से रिमूव कर दिया तो ये डेटा आपके सामने दिख गया। उसके बाद ये जो टोटल का कॉलम आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ पिवट टेबल ऑप्शन में जाता हूँ, टोटल एंड फिल्टर्स पे ये टोटल्स यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ इन को वापस रखा, आउट को वापस रखा, पर ये नंबर्स आ रहे हैं तो यहाँ इस पर वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे काउंट के जगह मिनिमम, मतलब कि क्या है कि इन टाइम जो है मल्टीपल है, एक दिन में 10 बार इन हुआ है तो सबसे पहला जो इन हुआ है वो मिनिमम करके लेंगे, क्योंकि जो डेट एंड टाइम होता है आखिर में होता तो नंबर ही है ना। कैनायर जी, डेट एंड टाइम होता तो नंबर ही है ना, करेक्ट। तो हमने यहां पे मिनिमम ले लिया तो यहां पे मिनिमम डेटा आ गया। वापस मैं यहां पे आता हूं मैक्स वैल्यू फील्ड सेटिंग में, मैंने यहां पे मैक्स ले लिया, यहां पे मैक्सिमम आ गया। और फिर जो ये ब्लैंक करके आ रहा है उसको आप सेंड करना है तो पिवट टेबल ऑप्शन पे गया और यहाँ पे फोर एम्प्टी सेल हम यहाँ पे ए कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा अब सेंड। और जो बाकी सारे टाइम डेट है, डेटा है, उसको टाइम में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ से टाइम का जो फॉर्मेट है वो ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मीन इन मैक्स आउट लिखा हुआ है तो मैंने इन लिखा स्पेस, तो आप देख रहे हैं इन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे इन नाम का फील्ड ऑलरेडी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक स्पेस दे दीजिए और एंटर मार दीजिए, ले लेगा और सारे इन चेंज हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आउट लिया, स्पेस दे के एंटर मारा तो एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है? अब मुझे इसमें आवर्स देने, तो देखिए क्या है कि आवर्स नहीं दे सकते, इसलिए यहां एक बार ट्राई करके देख लेते, लेकिन मुझे ही मेरे हिसाब से नहीं होगा। कैलकुलेटर फील्ड में आते हैं और यहां पे हम देते हैं आवर्स का आवर्स। आवर्स के लिए मैं यहां लिखता हूं मैक्स और मैक्स में देता हूं आउट माइनस मिन और मिन में देता हूं इन। ठीक है, एंड इसको करता हूं ऐड एंड देन ओके। ये आपका आ रहा है 9 घंटा, नहीं ये दिक्कत है सर, क्योंकि यहां पर देखिए 11 दिन 9 घंटा दिख रहा है, 11 दिन नहीं सर, फरवरी है, काफी ज्यादा नंबर आ गया आपने देखिए, दिख रहा है सर, जो कि गलत हो जाएगा। सो कैलकुलेशन के जरिए पॉसिबल यहाँ नहीं है, तो मैं यहाँ से आवर्स को हटा देता हूँ। और हम कस्टम फॉर्मेटिंग याद होगा, नहीं सॉर्टिंग, माफ कीजिएगा, सॉर्टिंग याद होगा, सॉर्टिंग का मेथड यहाँ अपनाएंगे हम यहाँ पे। तो डेटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी करके एक नई शीट पे हम जाते हैं और यहाँ नई सीट पे इसको हम पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ एक मिनट ऊपर डिलीट कर देते हैं,
एक रो इंसर्ट करेंगे और इस रो में मैं सीरियल नंबर टू टाइम करूंगा, कि हर दो के बाद मुझे एक ब्लैंक कॉलन इंसर्ट करना है। या राइट, ओ सॉरी, इसमें हम वन वन करना था दो बार ना, और यहाँ पे टू टू, इन चारों को सिलेक्ट कीजिए तो आपका डेटा हर नंबर दो बार आएगा। नहीं, ये गलत हो गया, तो मैं फार्मूला ही लेके जाना पड़ेगा, प्लस वन कर देता हूँ और इसको फॉर्मूले में कॉपी करता हूँ। नायर जी, समझ में आ रहा है ना आपको? अरे एक नंबर को अगेन रिपीट कर देता हूँ, लेकिन 30 टाइम। और फिर इसके नीचे जो इन आउट है उसके जगह पे देता हूँ आवर, आवर्स या आवर कर दीजिए, और इसको हमने बैक कर दिया। उसके बाद जो है हम सेलेक्ट करते हैं 11 तक, सॉर्टिंग में जाते हैं, कस्टम सॉर्ट में ऑप्शंस में हम देते हैं सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, और रो वन के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा कि हर एक नंबर के बाद एक ब्लैंक रो, एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गया हर एवरी रो के बाद। अब बात आती है, इसमें हम डिलीट कर देता हूँ, अब बात आती है इसमें आउट माइनस इन का फॉर्मूला लगाने का। तो एक बार हम डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर इस पर राइट क्लिक नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ फाइनेंस सेलेक्ट में गो टू स्पेशल, और गो टू स्पेशल में हमें लेना है यहाँ पे ब्लैंक्स। तो जितने भी ब्लैंक्स है वो सारे ब्लैंक सेलेक्ट हो जाएंगे। तो याद होगा मैंने बताया था सॉर्टिंग में मेथड कि एक सिलेक्टेड एरिया में आप कुछ भी टाइप करेंगे, एंटर मारेंगे तो टाइप हो जाएगा, कंट्रोल एंटर मारेंगे तो क्या होगा, वो कॉपी होकर सब में पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी हम सेम करेंगे कि आउट माइनस इन, और नॉर्मल एंटर नहीं, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो पूरे सिलेक्टेड जो हमारा डेटा है वो तो सब में हो जाएगा। डबल क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया, और ये वन आ रहा है तो आप इसको मर्ज कर सकते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर दीजिए, और डेट है सीक्वेंस में है तो इसको ड्रैग कर देंगे तो सिक्वेंसली डेट यहाँ दिख जाएगा। हालांकि कोई और चीज़ हुआ तो ड्रैग करना नहीं है, लेकिन अभी इसमें सिक्वेंसली हम ड्रैग कर सकते हैं, प्लस वन करके भी कॉपी किया जा सकता है। सर ये पूरा मर्ज कैसे हुआ, एक बार वो मर्ज वाला दिखाएंगे? मैं मर्ज करके ड्रैग कर दिया सर। सॉरी, तीन मर्ज होना था ना, यहाँ मर्ज कर गलत कर दिए सर, हमें तीन को मर्ज करना है, आवर्स को भी मर्ज करना है ना। यहाँ पे हमने एक डेट डाला और हमने तीन को सिलेक्ट कर लिया, तीन को सेलेक्ट करके यहाँ पे हमें हुआ, एक मर्ज कर लिया ना आपने सर, अब इसको नीचे सेलेक्ट कीजिए और ड्रैग कर दीजिए। आ गया 30 जनवरी। अब इसको जो है अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए,
और हेडिंग कुछ देना है, मर्ज वगैरह करना है, यहाँ भी हेडिंग देना है, ब्लैक वगैरह करना है, कर दिया। बॉर्डर देना है, मैंने बॉर्डर दे दी, इसकी भी हेडिंग कर दी, इसको भी बॉर्डर दे दिया। सर ये कैसे किया आपने, कलर किया ना, कैसे किया मैंने सर, कैसे कैसे वो दिखाएंगे, यहाँ से कलर हुआ? नहीं नहीं वो बाउंड्री कैसे ले आए आप, बॉर्डर से, बॉर्डर है ना सर, ऐसे यहाँ पे लाना है आपको, बॉर्डर पे, यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक कीजिए, बाउंड्री आ जाएगा। ठीक है सर, अब आपकी रिपोर्ट तैयार हो। यस। तो मैं ये जो रिपोर्ट देने दिया उसका बेनिफिट क्या बताता हूँ, क्योंकि पिवट का यूज हम लोग, जैसे बताया था आपको कि 60-70% रिपोर्ट में पिवट यूज करते हैं, तो अब कभी कभी क्या होता है कि पिवट से पूरी की पूरी रिपोर्ट बना लेते हैं, जो रिपोर्ट चाहिए हम पिवट के थ्रू हम बना लेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें पिवट से रिपोर्ट में मदद लेनी पड़ती है, और फिर उस पिवट से दी गई समरी को हम कहीं और ले जाते हैं और उस पर अपनी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करके अपनी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ठीक है सर, हेलो, सौभिक जी। हाँ जी, हाँ जी, और नायक जी समझ में आया आपको? नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ में तो आ रहा है। प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, और मैं चाहूंगा कि आप